हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से अपना मंथली रिटर्न जो है वो फिल कर सकते हैं। इसके अलावा मैं शुरुआत करने से पहले ही आपको बता दूं कि ये वीडियो जो है ये छोटे सेलर्स के लिए है कि छोटे सेलर्स किस तरीके से अपना मंथली रिटर्न फिल कर सकते हैं। तो देखिए, मंथली रिटर्न के लिए जो आपको सबसे पहली रिपोर्ट चाहिए होगी वो चाहिए होगी पेमेंट रिपोर्ट। ठीक है, तो पेमेंट रिपोर्ट इस तरीके से आएगी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन और सीओडी ट्रांजेक्शन दोनों अलग अलग हैं। अगर आप सीओडी में भी काम करते हैं तो आप इस तरीके से सीओडी के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आप सीओडी की जो रिपोर्ट है वो जनरेट कर लीजिएगा, और इलेक्ट्रॉनिक की यानी कि प्रीपेड की यहाँ से जनरेट होगी। यहाँ पे आप डेट वाइज जो है वो जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ऑलरेडी जनरेट हो चुकी है और यहाँ से आप जो है रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपको सेकेंड रिपोर्ट चाहिए होगी वो होगी सेलर फी इनवॉइस। तो सेलर फी इनवॉइस आपको कहाँ से मिलेगी? रिपोर्ट्स के अंदर टैक्स डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी के अंदर जब आप आएंगे तो यहाँ होगी सेलर फी इनवॉइस। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको मंथली जो इनवॉइस जनरेट होती है अमेजोन की तरफ से वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ से आप इनको डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ इस तरीके से क्लिक करने के बाद आप जब यहाँ पे सेंड सेलेक्टेड इनवॉइसेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इनवॉइस आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी पर पहुँच जाएगी। तो मेरे पास तो ऑलरेडी जो फाइल्स है वो आई हुई हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से करना है आपको। देखिए, आपको जो पेमेंट रिपोर्ट मिलेगी वो इस फॉर्मेट में मिलेगी। तो देखिए, आपको करना क्या है कि आपको इस तरीके से स्टेट वाइज जो है एक डाटा क्रिएट करना है कि आपने पर स्टेट में कितनी सेलिंग की है, आपकी टैक्सेबल वैल्यू क्या है, जीएसटी अमाउंट क्या है, इसके अलावा आपकी टोटल वैल्यू क्या है। ये आपको मिलेगा कहाँ से, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। देखिए, इसको करना बहुत आसान है। जैसे आप देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, आप यहाँ पर जब कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल ए करने के बाद इसको आप फिल्टर कर दीजिएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से देखिए फ़िल्टर जो है वो अप्लाई हो जाएंगे। और यहाँ पे आप देख लीजिएगा, देखिए ये वाला जो कॉलम है ये स्टेट का कॉलम है। तो इसमें हम सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से, सेलेक्ट ऑल के ऊपर से टिक हटाएंगे। अभी जैसे मैं आपको दिखा दूँ, देखिए मान लीजिए मुझे कर्नाटका का चाहिए पहले, तो मैं कर्नाटका के ऊपर क्लिक करूँगा और ओके कर दूँगा। तो इस तरीके से कर्नाटका की डिटेल आ जाएगी टोटल। जैसे ही आप टोटल कॉलम्स इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे तो सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे जो है सम आ जाता है नीचे। आपको कैलकुलेटर लेने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं आपको देखिए इसलिए बता रहा हूँ इस तरीके से कि अगर आपको 1% एक्सेल नहीं आती है तो भी आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए नीचे सम आता है, यहाँ से आप सम जो है ऐड कर लीजिए अपनी फाइल के अंदर। ये देखिए मैंने ऐड किया हुआ है 1458 रुपये। तो कर्नाटका का देखिए ये बैठ रहा है 1457 रुपये 64 पैसे। तो मैंने इसको राउंड फिगर में कर दिया, यानी कि 50 पैसे से ऊपर सीधे मैंने 1 रुपया लगा दिया, तो 1458 रुपये कर दिया है। इसके अलावा देखिए ये आपकी टैक्सेबल वैल्यू हो गई, तो टैक्सेबल वैल्यू भी देखिए यहाँ पे सम हो के आ जाएगा 262 रुपये 36 पैसे आ रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सीधे 262 रुपये लगाया, अगर 36 पैसे तो उसको मैंने हटा दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप राउंड फिगर में करिएगा, और इन दोनों का टोटल जो है वो ये है। तो इस तरीके से आपको एक डाटा क्रिएट करना है। मैं आपको और आसानी के लिए बता देता हूँ आपको कौन कौन से कॉलम लेने हैं। एक तो आपको प्रोडक्ट सेल का लेना है, दूसरा आपको शिपिंग क्रेडिट लेना है, और तीसरा आपको टोटल सेल टैक्स का। तो ये तीन कॉलम ही आपको लेने हैं। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ दोस्तों, अगर आपका ट्रांजेक्शन मान लीजिए कोई आपको रिटर्न आया है, ठीक है, कोई आपका लॉस हुआ है, तो वो आपको नहीं लेना। कैसे? आसाम का मैंने ले लिया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सेम ऑर्डर है और सेम ऑर्डर पर रिफंड हुआ है जिसमें माइनस हो गया है। तो देखिए यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू भी माइनस हो गई है। तो आपको ये जो है छोड़ देना है, ये आपको नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि ये माइनस हो गया तो आपको कुछ भी नहीं देना है इसके ऊपर। वही लीजिएगा जो आपके सक्सेसफुली डिलीवर हुए हैं और जिनके आपको पेमेंट मिला है। तो देखिए ये अमेजोन की इनवॉइस है। तो इस तरीके से जितनी भी इनवॉइस हैं आपकी उसके अंदर जो टोटल जीएसटी अमाउंट है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं 280 रुपये 44 पैसे, इस तरीके से टोटल जितने भी इनवॉइस के टैक्सेबल अमाउंट हैं वो आप एक जगह पर उसको सम कर लीजिए। ठीक है, तो ये मैंने सम करके रखा हुआ है, इसका मुझे वापस लेना है क्रेडिट। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको डाटा किस तरीके से फिल करना है अकाउंट के अंदर। तो देखिए हम अकाउंट में लॉगिन कर चुके हैं। तो अकाउंट में लॉगिन करने के बाद आपको सीधे क्लिक करना है रिटर्न डैशबोर्ड के ऊपर। तो देखिए 2018-19 में मैं सेलेक्ट करूँगा अप्रैल, ठीक है, मई चल रहा है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा मंथली रिटर्न जीएसटी R3B, इसके ऊपर क्लिक करना है आपको। प्रिपेयर ऑनलाइन, यहाँ पे ऑप्शंस आएंगे, ओके करना है, और यहाँ ऑप्शन जो आपको सेलेक्ट करने हैं, तो पहला आपको नो करना है, सेकंड यानी कि बी वाला यस, सी वाला यस, और डी वाला भी यस, इसके अलावा नो नो, ओके नेक्स्ट।
तो देखिए यहाँ पे तीन ऑप्शन जो है ये आ गए, ये आपको फिल करने हैं। तो आपको मैं बताता हूँ, सबसे पहला हम ये ऑप्शन ओपन कर लेते हैं 3.1। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो डाटा फिल किया है वो किस तरीके से किया है, यहाँ पे देखिए टोटल जो टैक्सेबल वैल्यू है वो टैक्सेबल वैल्यू मैंने टोटल टैक्सेबल के अंदर फिल कर दिया है, टोटल टैक्सेबल वैल्यू के अंदर फिल कर दिया है, ठीक है। इसके अलावा इंटीग्रेटेड टैक्स के अंदर जो मैंने फिल किया है वो मैंने टोटल टैक्सेबल वैल्यू जो 1401 रुपये है तो इसको मैंने 1402 रुपये कर दिया है, ठीक है। इसको मैं कंफर्म कर देता हूँ, कंफर्म। देखिए यहाँ पे 1402 रुपये, और इसी तरीके से यहाँ पे देखिए सेकंड में मैंने जो स्टेट वाइज हैं वो टोटल डिटेल जो है वो फिल कर दी हैं, ठीक है। तो इसको भी मैं कंफर्म कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो टोटल स्टेट वाइज है वो मैंने डिटेल पूरी फिल कर दी। तो ये इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपका इंटीग्रेटेड टैक्स जो है वो आपका यहाँ पे सेम होना चाहिए, यानी कि 3.1 और 3.2 में सेम होने चाहिए डाटा आपका, अलग अलग नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा एलिजिबल टैक्स जो हमें वापस लेना है पैसा, जो हमारा इन्वॉइस का है वो मैंने यहाँ फिल कर दिया, ठीक है, 627 रुपये। इसको भी मैं कन्फर्म कर देता हूँ और एक बार मैं इसको सेव GSTR 3 भी कर देता हूँ। अभी क्लिक करेंगे प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर, यहाँ नीचे आ जाएंगे। टोटल जो हमारा टैक्स था वो 1402 रुपये था, उसमें 627 रुपये हमारा माइनस हो गया, तो टोटल जो हमारा बना वो 775 रुपये का टैक्स बना, ठीक है। एक बार इसको कैलकुलेटर से और करके देख लेते हैं कि सही है या नहीं है। तो इसको मैं कैलकुलेटर से करके देख लेता हूँ, 1402 रुपये माइनस 627 रुपये, एंटर, 775 रुपये, ठीक है। तो 775 आ रहा है, सही है इसका मतलब। तो अभी हम इसको करेंगे क्रिएट चालान। अभी देखिए यहाँ पे जो है आप किस तरीके से पेमेंट कर सकते हैं, आप चाहें तो ई पेमेंट कर सकते हैं। ई पेमेंट में जब आप क्रिएट चालान करेंगे, आप देखिए नेट बैंकिंग के अंदर यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन आ रहे हैं। अगर आपका इन बैंक में से किसी बैंक में अकाउंट है तो आप यहां से डायरेक्ट जो है वो मेक पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा इस लिस्ट में से किसी भी बैंक के अंदर अकाउंट नहीं है तो आप क्या करेंगे, तो हम वापस जाएंगे रिटर्न डैशबोर्ड के अंदर, सेलेक्ट करेंगे अप्रैल, सर्च, तो देखिए यहां पे जो हमने डाटा फिल किया था पूरा वापस आ गया एज इट इज, ठीक है, हमने क्योंकि वो सेव कर दिया। तो आप सेव जरूर कर दीजिएगा, ऐसा ना करिएगा कि आप सेव करना उसको भूल जाएं। अगर आप उसको सेव करना भूल गए तो आपको सारी डिटेल जो है वो दोबारा से फिल करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो अभी हम जाएंगे दोबारा प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर, क्रिएट चालान, और यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन NEFT RTGS। उस लिस्ट में से अगर आपका किसी भी बैंक में अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ से जो है NEFT RTGS कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी बैंक में जाके काउंटर के ऊपर से भी अपना जो GST है वो फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं NEFT चूज कर लेता हूँ, क्रिएट चालान, जनरेट चालान, यहाँ से आप जो चालान है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चालान क्रिएट हो गया है, अब आप अपने अकाउंट से NEFT कर सकते हैं। NEFT करने के बाद आपका जो लेजर बैलेंस होता है, इसके अंदर लेजर बैलेंस में आपका जो पेमेंट है वो आ जाएगा, और यहाँ से अपना जो मैं टैक्स है उसको मैं फिल कर सकता हूँ। तो चलिए अभी मैं वीडियो स्किप कर रहा हूँ, ओके दोस्तों। तो आप पेमेंट करते हैं, जो पेमेंट है वो लेजर के अंदर आ चुका है, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक सेकेंड में मैसेज कर देता हूँ, AD2 OTP, ओके। एक्चुअली ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ प्रैक्टिकल, ये मैं अपना टैक्स नहीं भर रहा हूँ, ये किसी और का है, इसीलिए मुझे इतना सब ये हाइड करना पड़ रहा है, ठीक है। क्योंकि इसी शर्त पे मेरे को ये दिया गया है कि इसमें मैं कोई भी डिटेल जो है, कोई भी अकाउंट से रिलेटेड डिटेल जो है वो शेयर नहीं करूँगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको पेमेंट करके दिखाता हूँ, मेक पेमेंट पोस्ट क्रेडिट टू लेजर, प्रोसीड टू फाइल, ओके। तो क्लिक करेंगे फाइल GSTR 3B विद EVC के ऊपर, अभी OTP गया होगा जो ऑनर है उनको, तो मैं एक सेकंड मैसेज कर देता हूँ उनको, OTP, ओके, 1 मिनट, ओके, उन्होंने OTP शेयर कर दिया, वेरीफाई।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो जीएसटी है अप्रैल का वो फिल हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जीएसटी जो है फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक बात का ख्याल रखिएगा कि जो आपने डाटा क्रिएट किया है फाइल के अंदर वो आपको संभाल के रखना है, क्योंकि GSTR 1 जब आप फाइल करेंगे तो तीनों महीने का जो डाटा होगा उसी डाटा के बेस पे आप GSTR 1 जो है वो फाइल करेंगे। तो जो आप डाटा क्रिएट कर रहे हैं उसको बहुत संभाल के रखिएगा, और वैसे भी डाटा आपको हमेशा संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि पता नहीं इन फ्यूचर आपको कब उसकी ज़रूरत पड़ जाए। होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इसके अलावा आप हमारा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक जो है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है, आप वहां से ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और आपका जो भी सवाल है आप ग्रुप के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू।